वेलकम फ्रेंड्स, लंतंत्र चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 8 सितंबर का इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स। ऐसे डेली इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो करंट अफेयर्स है, हु हैज रिसेंटली वॉन द यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन बेस्ट फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो इस साल का बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसे मिले है? तो आंसर है करीम बेंजिमा एंड एलेक्सिया पुटलास। करीम बेंजिमा इज ए फ्रेंच प्रोफेशनल फुटबॉलर हु प्लेज फॉर द स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड एंड एज ए स्ट्राइकर फॉर द फ्रेंच नेशनल टीम। आ सकता है जो करीम बेंजिमा कौन सा क्लब से खेलते हैं एंड एज ए कंट्री वो कौन सा नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो करीम बेंजिमा फ्रेंच रियल मैड्रिड से खेलते हैं एंड एज ए नेशनल टीम वो फ्रेंच नेशनल टीम से रिप्रेजेंट करते हैं। एलेक्सिया पुटलास इज ए स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉलर। और एलेक्सिया पुटलास कौन सा नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं? स्पेनिश नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। हु प्लेज फॉर मिडफील्ड फॉर द बार्सिलोना क्लब एंड एज ए क्लब वो बार्सिलोना से खेलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, हु हैज रिसेंटली वॉन द फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। आंसर होगा मैक्स वेरस्टैपेन। अगला करंट अफेयर्स है, वेयर हैज द जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका कंक्लूडेड रिसेंटली। तो वज्र प्रहार नामक जो जॉइंट एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया और अमेरिका ने मतलब कंक्लूड किया है, वो कहाँ पे हुए? वो है, तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला करंट अफेयर्स है, हु हैज रिसेंटली बिकेम द हाइस्ट रन स्कोरर इन T20। तो T20 में हाइस्ट रन स्कोरर कौन बने हैं? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। अगला करंट अफेयर्स, हु हैज रिसेंटली बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल फर्स्ट बॉलर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो मोस्ट सक्सेसफुल फर्स्ट बॉलर इन इंटरनेशनल क्रिकेट कौन बने हैं? जेम्स एंड्रीसन। एंड जेम्स एंड्रीसन गाइस वो इंग्लैंड के नेशनल टीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला करंट अफेयर, इंडियन जूडो प्लेयर लिंथोई चेनम्बम हैज वॉन व्हिच मेडल इन द रिसेंटली हेल्ड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो लिंथोई चेनम्बम रिसेंटली कौन सा मेडल जीते हैं इन द कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो आंसर होगा गोल्ड। करंट अफेयर, रिसेंटली नीति आयोग हैज अनाउंस टू सेट अप 500 अटल टैंकरिंग लैब्स। वो कहाँ पे स्थापित हो रहा है? तो हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो अटल टैंकरिंग लैब जो है वो क्या है? टू नर्चर एन इनोवेटिव माइंडसेट एमोंग हाई स्कूल स्टूडेंट। तो हाई स्कूल स्टूडेंट है उन लोग का अंदर में इनोवेटिव माइंड डेवलप करने के लिए 500 अटल टैंकरिंग लैब का स्थापन किया जा रहा है। अगला करंट अफेयर, व्हिच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द शू एंड लेदर प्रोडक्ट्स पॉलिसी 2022। तो शू एंड लेदर पॉलिसी मतलब कौन सा स्टेट में लागू किया गया है? तो वो होगा तमिलनाडु। अगला करंट अफेयर, हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। तो फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी किसे इलेक्टेड किया गया है? वो होगा एन गोपालाकृष्णन। एन गोपालाकृष्णन को 3 साल के लिए फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी मतलब अपॉइंट किया गया है। लास्ट करंट अफेयर्स, वेयर हैज होम मिनिस्टर अमित शाह अटेंडेड द फर्स्ट कॉन्वोकेशन ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन कौन सा मतलब शहर में अमित शाह ने अटेंड किया है? तो आंसर होगा गांधीनगर गुजरात का। तो गाइज, ये तो था 8 सितंबर का इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स। ऐसे डेली जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।